नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आंकलन यूट्यूब चैनल में। टॉप क्लास टेक्स्ट सीरीज CUET से रिलेटेड आपके आज सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स। ओके, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके, एंड हमारी वीडियो को लाइक करिएगा। तो बैठते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है हमारा, मॉन्ट्रियल एकॉर्ड इज रिलेटेड टू, इट मीन्स मॉन्ट्रियल समझौता संबंधित है, किससे संबंधित है? यस, राइट आंसर इज टू प्रिवेंट ओजोन डिप्लीशन। ओके, इट मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट। थोड़ा सा हम मॉन्ट्रियल समझौता इसके बारे में समझ लेते हैं। मॉन्ट्रियल समझौता क्या है और कैसे ये किस चीज के लिए बनाया गया है? ओके, ओजोन परत जो हमारी है उसको नष्ट करने वाले क्लोरोफ्लोरोकार्बन को रोकने के लिए 1987 में एक अंतरराष्ट्रीय समझौता किया गया था, जिसे क्या नाम दिया गया? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहा गया। यह जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, यह पहली अंतरराष्ट्रीय संधि है जिसने ग्लोबल वार्मिंग की दर को सफलतापूर्वक क्या किया था? धीमा किया। ओके, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, बैनिंग द यूज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड्स एंड अदर क्लोरोफिन एंड ब्रोमीन कंपाउंड्स इज कॉल्ड। यस, राइट आंसर इज आंसर सी इज करेक्ट, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज, द सजेस्टेड मेजर टू अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज, इट मीन्स उत्तरदायित्व विभाग में प्राप्त करने के लिए सुझाए गए उपाय हैं, क्या उपाय हैं? इसमें राइट आंसर क्या है? यस, सी इज योर राइट आंसर। इट मीन्स गैर नवीनीकरण संसाधनों पर निष्कर्षण की दर अक्षय विकल्प के उत्पादन की दर से अधिक नहीं होनी चाहिए। सी इज योर राइट आंसर। ओके, रेट ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज शुड नॉट एक्सीड द रेट ऑफ जनरेशन ऑफ रिन्यूएबल सब्स्टिट्यूट्स। तो बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर फोर, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इनिशिएटेड इट्स प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन द ईयर 1991 एंड द राइट आंसर इज बी, बी इज योर राइट आंसर, इंडिया। क्वेश्चन नंबर फाइव इज, अ कैंपेन इज चाइना इन 1958 वेयर पीपल वर इनकरेज्ड टू सेट अप इंडस्ट्रीज इन देयर बैकयार्ड वॉज नेम्ड एज। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ग्रेट लीप फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर सिक्स, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज पाकिस्तान हैज एन एज ओवर इंडिया, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाकिस्तान की भारत पर बढ़त है? ओके, तो राइट आंसर इज सी, सी इज योर राइट आंसर, रिड्यूसिंग द प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन। ओके, पॉवर्टी लाइन मीन इट मीन्स गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या के अनुपात को कम करना, ये क्या है? पाकिस्तान की भारत पर बढ़त है। इस किस क्षेत्र में? गरीबी रेखा वाले क्षेत्र में। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेवन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? डियर फ्रेंड्स, यू रीड दीज ऑप्शंस। यस, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, गुड्स प्रोड्यूस्ड फॉर सेल्फ कंजप्शन विल बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन इज क्वेश्चन नंबर एट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? यस, इट मीन्स कुछ ऑप्शन इसमें, ये फोर ऑप्शन आपको दिए गए हैं जिसमें से आपका एक ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है, बाकी सारे आपके करेक्ट हैं। ओके, सो योर इनकरेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, एजुकेशन सिस्टम इज इंडिया इज नॉट जॉब ओरिएंटेड। इट इज अ इनकरेक्ट सेंटेंस, इनकरेक्ट ऑप्शन। ओके, देन क्वेश्चन नंबर नाइन इज, व्हेन मोर पर्संस आर वर्किंग इन अ जॉब देन एक्चुअली रिक्वायर्ड इट इज नोन एज। यस, करेक्ट आंसर इज डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर टेन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स is not correct with regards to infrastructure and correct answer is option number D. okay,
Inadequate infrastructure can have multiply adverse effects on health. It means अपर्याप्त बुनियादी ढांचे के स्वास्थ्य पर कई क्या पड़ते हैं, प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकते हैं. So dear friends, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा इसके बारे में आप हमें कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा. ओके, और CUET से रिलेटेड जो हमारी टेक्स्ट सीरीज है वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहाँ से उनको देख सकते हैं. ओके, सो थैंक यू एंड गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे.